हेलो फ्रेंड्स, आपने पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इलेक्ट्रिकल और ऐसे कई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, और बतौर रेलवे में भी ऐसे कई डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर आपको इस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और पूरा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित, आप देख रहे हैं सिविल टेक हिंदी। जो डिपार्टमेंट होते हैं, कोई किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर को हम जो ये डिपार्टमेंट का हेड होता है, इसको हम मुख्य अभियंता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर होता है अतिरिक्त मुख्य अभियंता। फ्रेंड्स, अतिरिक्त मुख्य अभियंता हेड तो नहीं होता है, पर इसके नीचे होता है, चीफ इंजीनियर के जस्ट नीचे। या चीफ इंजीनियर अपना एक असिस्टेंट रखता है इंजीनियरिंग लाइन में, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट चीफ इंजीनियर। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उनका एक हेड होता है। हेड मैंने आपको बता दिया कि चीफ इंजीनियर होता है। हेड के अलावा सर्किल में बांट देते हैं इनको, डिपार्टमेंट को सर्किल में बांट देते हैं। सर्किल का जो हेड होता है वो होता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, जिसको हम एसी से भी डिनोट करते हैं, और उसको हम हिंदी में कहते हैं अधीक्षण अभियंता। ये फ्रेंड्स हर सर्किल पे बैठता है, सर्किल में अपना काम संभालता है, और सर्किल में इसकी रेंज होती है। अलग अलग एक सर्किल होता है जिसमें ये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अपना अपना काम करते हैं। फ्रेंड्स, सर्किल के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको हम कहते हैं एक्शन, और जिसको हम अधिशासी अभियंता के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अधिशासी अभियंता अपना डिवीजन संभालता है, और डिवीजन में वही उसका हेड होता है। डिवीजन को वापस सब डिवीजन में बांटते हैं। फ्रेंड्स, सब डिवीजन का हेड होता है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको हम आईएन भी कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं सहायक अभियंता। अब फ्रेंड्स, सहायक अभियंता के नीचे और सब डिवीजन से और कोई नीचे डिवीजन नहीं होते हैं, इसको किसी भाग में आगे नहीं बांटते और इसके अखंड नहीं करते, बल्कि सब डिवीजन में ही असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य रहता है, और वो अपने कंट्रोल में रखता है जूनियर इंजीनियर को, यानी कनिष्ठ अभियंता को। फ्रेंड्स, कनिष्ठ अभियंता डिपार्टमेंट किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सबसे छोटा टेक्निकल आदमी होता है। सबसे छोटी पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। ये होती है पूरी इंजीनियरिंग की, जो बाकी अलग वगैरह डिपार्टमेंट में जो होते हैं वो छोटे एलडीसी वगैरह है, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो अलग स्ट्रक्चर होता है पूरा, और ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर पूरा इसका अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आपने अब इस वीडियो में ये जाना कि आप किस प्रकार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटों का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, एक बार आपको गिना दूँ, नीचे से शुरू करते हैं। असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, इन्हें मुख्य अभियंता। अगर इनको हिंदी में जाने तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी अभियंता, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अधीक्षण अभियंता, एडिशनल चीफ इंजीनियर अतिरिक्त मुख्य अभियंता,